आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश में नदियों की सर्वाधिक संख्या होने के कारण ही मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, तो वहीं जलप्रपातों की मलिका रीवा जिले की धरती को कहा जाता है। प्राकृतिक और पर्यटन की दृष्टि से रीवा क्षेत्र में 4 जलप्रपात हैं। वैसे भी इस क्षेत्र में प्राकृतिक छटा निराली ही नहीं अद्भुत भी है। रीवा का विश्व प्रसिद्ध सफेद शेर जहां प्रकृति का अनुपम उपहार है, तो वहीं रीवा क्षेत्र में जल प्रपातों की बहुलता इस अंचल को पर्यटन के क्षेत्र में आकर्षक बनाता है। रीवा जिले के बहुती, पूर्वा, क्योटी एवं चचाई जलप्रपात बारिश के दिनों में इस समय लोगों के विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जलप्रपात को देखने के लिए लोगों की भीड़ को देखकर लगता है कि यहाँ की प्राकृतिक वैभव दर्शकों को समेटने पूर्ण सक्षम है। विंध्य पर्वत श्रृंखला रीवा के सुहागी ग्राम से ही प्रारंभ हो जाती है। बरसात के दिनों में रीवा क्षेत्र के जलप्रपात अपने चरम पर होता है। ग्राम कटरा से पूर्व दिशा में मऊगंज की ओर जाने पर बहुती प्रपात का नजारा दिखाई देता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना है। इसकी ऊंचाई 650 फीट बताई जाती है। उड्डा नदी का पानी इस झरने के नीचे गिरता है और बाद में यह पानी तमसा नदी में जाकर मिलता है और आगे चलकर यह तमसा पतित पावनी गंगा नदी में मिल जाती है। इस प्रपात के निचले हिस्से में एक प्रसिद्ध महात्मा जी रहते हैं। यहाँ के लोग एवं दूर दूर के श्रद्धालु जन पहाड़ के नीचे जहाँ झरना गिरता है वहां जाते हैं और उनका दर्शन प्राप्त करते हैं। क्योटी प्रपात कटरा के पश्चिम दिशा में सिरमौर रोड पर पड़ता है। क्योटी प्रपात महाना नदी के जल से निर्मित होता है जिसका पानी नीचे गिरकर तमस नदी में चला जाता है, क्योंकि प्रपात की ऊंचाई 336 फीट बताई जाती है। क्योटी प्रपात के समीप ही एक प्राचीन किला है जो 1857 की क्रांति के दौरान महान क्रांतिकारी ठाकुर रणमत सिंह की शरण स्थली रही है। यह किला सैन्य शक्ति एवं सैन्य संचालन का अच्छा माध्यम किसी समय में रहा होगा जिसको देखने के लिए दूर दूर से दर्शक यहाँ आते हैं। पूर्वा प्रपात रीवा से सेमरिया रोड पर स्थित है। यहाँ 60 मीटर की ऊंचाई से बीहर नदी का पानी नीचे गिरता है और आगे चलकर यह पानी तमस नदी में मिल जाता है। यहाँ का प्रसिद्ध चचाई प्रपात अब इस स्थान पर विद्युत उत्पादन होने लगा है। यहाँ भी बीहर नदी का पानी नीचे गिरता है। इसकी ऊंचाई 130 मीटर बताई जाती है। यहाँ का पानी भी तमस नदी में ही मिलता है। एक प्रकार से देखा जाए तो रीवा जिले के इन चारों जलप्रपात का पानी तमस नदी से होकर गंगा नदी में मिल जाता है। यहाँ के सभी जलप्रपात अपने आप में अद्भुत और दर्शनीय हैं। इस समय रीवा जिले के उपरोक्त चारों जलप्रपात सैलानियों की उपस्थिति में और भी आकर्षक दिखता है। यहाँ गर्जन सर्जन करते जलप्रपात का नीचे गिरते पानी की छोटी छोटी बूंदे धुआं बनकर ऊपर उड़ते दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि झरने का गिरता पानी धुआं सुनकर प्रतिस्पर्धा करता दिखाई देता है। कभी धुआं प्रपात को ढक लेता है तो कभी प्रपात अपनी गर्जन के साथ उस धुएं को नष्ट करने का प्रयास करता है जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनता है। सारी ही तो सीधे आ चली।